तो बच्चों देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैरियर कंसंट्रेशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता दिया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल होते थे, इसीलिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इसको कहते थे। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि हमारे पास दो बैंड होते हैं। कौन कौन, आपने देखा होगा ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है और ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा। उसके लिए कुछ बातें आपको क्या है कि थर्मल फिजिक्स से जाननी पड़ेगी, वो जो मेरे से पढ़ चुका होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर जो नहीं पढ़ा है वो देख ले, जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसको समझ में आ जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होंगे। तो क्या है कंसंट्रेशन, पहला नंबर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, कुछ चीजें आपको दिक्कत होंगी, इन द कंडक्शन बैंड। इन द कंडक्शन बैंड तो वी एज्यूम इसमें हम पहला नंबर एज्यूम करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड बिहेव एज फ्री पार्टिकल विथ एन इफेक्टिव मास, इफ एन इफेक्टिव मास mE। यानी आपको पता है जब यहां से क्या करेंगे, ये कंडक्शन बैंड, यहां क्या है वैलेंस बैंड, यहां से जंप करके जब इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया था वो फ्री पार्टिकल जैसा क्या कर रहा था, बिहेव कर रहा था, जिसका मास क्या है, mE है। एक बात ये आपको माननी पड़ेगी। दूसरा क्या एज्यूम करेंगे आप लोग, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कह लीजिए, पर क्यूबिक मीटर मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, हुज एनर्जी lies between E and E plus dE is, समझ गई नहीं। यानी जो नंबर ऑफ क्या है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, उसकी जो एनर्जी किसके बीच लाई करेगी, E एंड E प्लस dE के बीच, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एनर्जी इसके बीच क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते किस टाइप से हैं, ये देखना आप लोग, ठीक। यानी डी एन सी, सी क्या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए आप लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एन कैपिटल ई और एफ ई और डी ई, एक्चुअली ये ऐसे लिखा है, एन जी बिल्कुल एन एफ डी ई लिखा है, ठीक है ना। अभी ये बताता हूं क्या क्या है, ठीक है ना, ये चीज है।
ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए वेयर वेयर यन क्या है पता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। यन क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है, यानी एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग लिया जा रहा है, इसलिए क्या है ये जो होगा एनर्जी का फंक्शन होगा, इसलिए इसके साथ एनर्जी लगाओ, जैसे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते आप लोग इसी तरीके से, ठीक है ना। ठीक, वेयर यानी वेयर एन ई इज द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ स्टेट स्टेट्स एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड के बॉटम की क्या है, एनर्जी स्टेट है, मतलब या बॉटम मतलब समझ रहे हैं ना, ये कंडक्शन बैंड है ना, यानी यहां की है, टॉप की नहीं बॉटम की है भाई। जब यहां से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यही पहले ना आएगा जंप करके, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कितनी क्या है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी भी वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू है आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ी होगी आप, यहां तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, जो मेरे करो नहीं भी पता है तो आप इसे देख लो और मैं पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो हम मिलेगा आपको, यहां कोई मतलब नहीं बहुत एक्सप्लेन करने का। 4 by h³, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, 2 me, 3 by 2 e माइनस ec पावर हाफ, ये आपने देखा होगा ना बच्चों, ये मैंने बताया था, ये एनर्जी होती है और ये क्या होता है कि ये यहां की एनर्जी होती है, ईसी एनर्जी आप क्या कंडक्शन बैंड, ये आपने देखा होगा, देखेंगे नहीं बताइए आप लोग, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा है उसे बताओ, वो उनको कई फॉर्म में मैंने बताया था, बता देना फ्रिंज फ्रीक्वेंसी के रेंज में बताया था, हाँ ठीक ना। हाँ तो देखना आगे, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर देखिए आप लोग, द फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, बोलिए कितना बताया था, एफ ई बताया था, आप याद करो जब मैंने ऑक्यूपेशन इंडेक्स वगैरह बताया था, ई एफ या बाई के टी, नहीं याद आ रहा है, सब भूल गए आप लोग, फिलहाल नहीं भी आता तो आप ये इतना याद रखो, वहां पढ़ेंगे फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, द फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ एनर्जी अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखिए ये तीनों चीजों को मैं यूज करूंगा, अभी मैंने स्मॉल क्वांटिटी के लिए लिया, अब यही इक्वेशन नंबर 1 यूज करूंगा मैं, ये देखो ये वाला, अब देखना आगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखना नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन इन, हाँ तो देखना आप लोग, नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मे हैव एनर्जी लाइंग फ्रॉम ईसी टू इन्फिनिटी, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड मे हैव एनर्जीज लाइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, आवाज ही नहीं आ रही है,
लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ईवी, ठीक ना। इसका मतलब देखना आप लोग, मैं ये बैलेंस, ये मैंने कंडक्शन बैंड बना दिया, ओके, और मैं ये क्या बना दिया, बैलेंस बैंड बना दिया। मैंने एक बात बताया था, मैंने बताया था कि जो एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड की, आप क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, बॉटम को लेते हैं और बैलेंस बैंड की जो एनर्जी लेवल लेते थे हम लोग, क्या लेते थे, इसके टॉप टॉप लेयर को लेते थे, ठीक ना। तो ऑब्वियसली अगर ये क्या टॉप लेयर है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी ही नहीं होगी, और यहां से इसके ऊपर चलूंगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगी। यानी कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी लाई करेगी इलेक्ट्रॉन की, कहां से कहां, ईसी टू इन्फिनिटी, और बैलेंस बैंड में कहां से, माइनस इन्फिनिटी टू ईवी। ये याद रखना आप लोग, ओके बच्चों, ये याद रखना, तो पूछने की तो आगे देखना आप लोग। हाँ अब देखना आप लोग, देखिए बच्चों, तो देखिए मैंने क्या लिखा, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय, तो अभी मैंने डीएन करके लिखा था, डीएन ई ना, जो भी आया था, एन ई आया था, एफ ई आया था, और क्या था, डी ई आया था ना, यही। अब जब इसको हटाऊंगा तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे एनर्जी का लेवल मिल गया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, ई सी टू इन्फिनिटी, ओके। तो कंसंट्रेशन इज एन ई विल बी इक्वल टू ई सी टू, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और क्या करूंगा, एन ई एफ ई और क्या, डी ई, ठीक ना। अब सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, ये भी वैल्यू मेरे पास है, ये भी वैल्यू मेरे पास है, ठीक है ना। तो चलिए एन ई करूंगा, तो देखिए एन ई की वैल्यू बताइए कितनी है, फोर बाई फोर पाई, फोर पाई बाई एच क्यूब। आप लोग पीछे देख लीजिए, मैं लिखा हूं एन ई की वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टू एन ई कितना, थ्री बाई टू, और क्या करूंगा, ई सी टू इन्फिनिटी लिखा, और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा, ई सी टू इन्फिनिटी, बोलो क्या लिखूं, इसकी वैल्यू आप लोग बताएं, देखो मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताना, ई सी, आप लोग ही देखेंगे, बार बार मैं पीछे नहीं करूंगा, ठीक। इसके साथ था ना, इसके साथ ये था, और एफ ई की वैल्यू ये था ना, एफ ई की वैल्यू ये था, वन बाई वन प्लस कितना था, e की पावर e माइनस ई एफ बाई के टी था ना, तो इसे मैं नीचे लिख देता हूं, वन प्लस e की पावर e माइनस ई एफ बाई कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा, और डी ई मैं लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, देखते रहो, इतनी बात समझ में आई ना बच्चों, कुछ छूटा तो नहीं ना, चलो आगे आप लोग देखते रहना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक। अब देखना फॉर, और वैसे भी जानते हैं जो ई एनर्जी होगी क्या होगी, ईसी के ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी, ठीक है ना, ईसी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। जब ईसी से ग्रेटर होगी तभी तो ये घटा हुआ है इससे, देखो 1 बाई टू, अगर इससे ग्रेटर है तभी तो घटा हुआ है, या तो इक्वल हो सकती है या तो ग्रेटर हो सकती है। तो जब ये कंडीशन आएगी तो होगा क्या, एंड e माइनस ई एफ, अगर ये ग्रेटर है, ये पूरी क्वांटिटी क्या, ये ग्रेटर है, इसमें भी ये ग्रेटर होगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, केटी से ग्रेटर हो जाएगी। जब ये क्वांटिटी केटी से ग्रेटर हो जाएगी तो वन क्या हो जाएगा, वन इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्ट, कैन बी नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड। तो देख लीजिए,
हम क्या करें, निगलेक्ट कर देंगे, यानी जो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास वन, अब वन हम नहीं लिखेंगे इसको। अगर इससे ज्यादा है तो ओब्वियसली क्या होगा, इससे ये ज्यादा होगा। जब ये 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 पूरी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आएगी, ज्यादा आएगी और इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वन को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इतना तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तब देखो तब मैं क्या लिखता हूं उसके बाद। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कितना, 4 by h cube 2 me power 3 by 2 मैंने लिखा, और ec to infinity e minus ec power half हो जाएगा, और e की पावर, अब उसी चीज को मैं ऊपर उठा ले गया, ef minus कितना e by कितना kt और de। ये मैंने क्या किया देखना, ये मैंने क्या किया, कोई समझ रहा है मैं किन में क्या किया, देखना यहां पर यार बेटा, ये जब निगलेक्ट हो गया, ये जो बचा इसको मैं ऊपर ले गया और इसको साइन को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो ef माइनस ec हो गया, ऊपर ले गया। इतना लंबा एक बार बार पीछे करना पड़ रहा है, समझ पाए क्या, ऊपर कैसे ले गया, ठीक ना। देखो ef माइनस ई लिख दिया, पहले क्या ई माइनस ef था, यहां तक की भी बात हो गई। अब देखिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट ई माइनस ई सी, या अभी नहीं लेट करता हूं, एक लाइन और लिखता हूं। तो देखना यहां तक की बात समझ में आई, तो यानी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 by h cube 2 me power 3 by 2। मैं एक कॉमन और लेता हूं, e की पावर मैंने क्या किया, ef minus ec power by kt और ec to infinity e minus ec power half e की पावर ec minus e by kt और de। ये बात समझ भाई, देखो ये मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों को अंदर ले जाओ, देखो यानी कुल मिला के मैंने क्या किया, हम ec का मल्टीप्लाई किए और ec को ऐड किया और क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। मैं यकीन हूं दोनों को सॉल्व करके देख लो, ये कि इधर क्या है, ef माइनस ई सी, ये प्लस ई सी माइनस ई, ये कट गया, तो ई की पावर कितना आया, ई एफ माइनस कितना आया, ई आया, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ई एफ माइनस क्या लिखा है, ई तो लिखा है ना, तो मैंने इतना ऐड करके सबट्रैक्ट करके उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बस मैथमेटिक्स है, बस नहीं है तो इसी को मल्टीप्लाई करके देख लो। लेट करता हूं, मैं क्या किया, लेट क्या करता हूं, e माइनस ई सी, यहां जो e माइनस ई सी है यहां पर, बाय के टी, ठीक, विल बी इक्वल टू, मैंने यक्स ले लिया, ठीक। और जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा पता है, डिफरेंशिएट करूंगा तो de विल बी इक्वल टू, यानी e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये ec जीरो हो जाएगा, de हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, kt को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, kt dx हो जाएगा, ठीक। और हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, एट e विल बी इक्वल टू ec, अगर यहां पर मैं रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और एट क्या करूं, एट ई विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी रखूं तो यक्स कितनी हो जाएगी, बोलो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जहां इन्फिनिटी थी वहां इन्फिनिटी रखूंगा, जहां ईसी था वहां क्या रखूंगा, अब जीरो। सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूं, आप लोग देखना मिलाना, मैं बार बार पीछे नहीं करूंगा, याद रहे। चलिए
यानी विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब 2 एम ई 3 बाई 2 ई की पावर कितना हो जाएगा बच्चों ई एफ माइनस ई सी बाई के टी 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट बदल गई, एक्स स्क्वायर है। यहां देखो ई माइनस ई सी बाई के टी था ना, नहीं के टी नहीं था ना, तो 1 बाई कितना 2, देखो यहां क्या था ई माइनस ई सी था, पावर हाफ था। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या थी, ये के टी विल बी इक्वल टू एक्स था। तो यहां देखो ई माइनस ई सी की जगह मैं क्या लिखता, बोलो के टी एक्स, और यहां पर क्या था हाफ लगा था, तो यहां भी मैंने लगा दिया एक्स पावर हाफ इंटू के टी पावर, पावर कितना हाफ हो जाएगा, यही तो मैं लिख रहा हूं ना, एक्स लिखा और के टी पर पावर कितना लिख दिया, हाफ लिख दिया, और ई की पावर में कितना था, यही पूरा था, और ई सी माइनस ई था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स लिखा, और क्या है कि जो डीई की जगह क्या था के टी इंटू डी एक्स था, इसकी जगह लिखा के टी डी एक्स लिख दिया। मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस ओके। हाँ आगे देखो, यहां तक की बात समझ में आई सबको, देखो कुछ छूटा तो नहीं बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। 4 पाई बाई एच क्यूब 2 एम ई पावर 3 बाई 2 के टी, देखो इसे मैं बाहर करता हूं, एक ये है ये के है, पूरी पावर कितना हो जाएगी 3 बाई 2 हो जाएगी, e की पावर मैंने वही लिखा ई एफ माइनस ई सी बाई कितना के टी, और 0 टू इन्फिनिटी बचा क्या एक्स पावर हाफ ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब इसका बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है हमारा 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है रूट में पाई बाई 2, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा इसकी जगह, ठीक, तो चलो रखता हूं मैं, तो यानी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई बाई एच क्यूब 2 एम ई 3 बाई 2 के टी पावर 3 बाई 2 ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी इंटू, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा रूट में पाई बाई 2, ठीक। चलिए अब इसको मैं सबको एडजस्ट कर लेता हूं, देखो ये पावर 3 बाई 2, ये पावर 3 बाई 2, और ये पाई है यहां पाई, ये पावर हाफ, ये पावर 1, 3 बाई 2 ये भी हो जाएगा, सबको एक साथ कंबाइंड करके लिखता हूं, तो देखना आप लोग और सोचना मैंने कैसे लिख दिया, लिखू तो 2 लिखा बाहर, 2 पाई एम ई के टी बाई एच स्क्वायर पावर 3 बाई 2 ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई कितना के टी, आप इसे सोचो कितना लिखा हुआ है, ओके बच्चों, 2 पाई एम ई के टी बाई एच स्क्वायर 3 बाई 2 ई पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी। अब वो जो पिछला है उसी को आप क्या करते एडजस्ट करके इसे लिखो आप लोग, सर वहाँ एच क्यूब रहेगा कि एच स्क्वायर, हाँ नहीं एच क्यूब, एच स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्यूब आ गया है ना, देखो ये काट दोगे तो ये क्यूब बचेगा ना, ठीक इतना तो लगा लो यार,
नहीं समझे क्या, एच क्यूब ही लिखा है वो, इसको इसको हाँ, समझ गए। और बताओ कहीं टू तो इधर उधर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लो आप लोग, एक लाइन और लिख दो, n will be equals to, n will be equals to 2 pi m e k t power by h square 3 by 2 e की पावर e f minus e c by k t, ठीक ये है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इतना ही बड़ा मैं किसके लिए प्रूव करूंगा, होल इन कंडक्शन बैंड, क्यों आप बताएं, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इसमें होल हो जाएंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड पढ़ा, अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड पढ़ूंगा, यही आएगा लगभग, यही थोड़ा चेंजिंग होगी, जहां ईसी है वही क्या हो जाएगा, ईवी हो जाएगा, यानी ईवी माइनस ईएफ हो जाएगा, ठीक, क्यों होगा वो हम लोग कल देखेंगे। तो अजीब था ना,